खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा इसार खान। जब सुप्रीम कोर्ट ने रफेल डील के मामले में पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया तो कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की हार अपनी जीत के तौर पर पेश किया। राहुल ने उत्साह में आकर मीडिया के सामने यहां तक कह दिया कि कोर्ट ने मान लिया है चौकीदार चोर है, लेकिन आज राहुल को अपने इसी बयान पर खेद जताना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को मानना पड़ा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किया और इसी के लिए राहुल ने खेद जताया। राहुल के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनावी सरगर्मी थी, लेकिन राहुल के इस कबूलनामे के बाद बीजेपी हमलावर है, कोर्ट की अवमानना बताकर कार्रवाई की मांग कर रही है। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल संविधान की शपथ में बड़ा सीधा है, क्या चौकीदार चोर है पर राहुल की चोरी पकड़ी गई? राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल का कबूलनामा, कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर कहने पर राहुल ने मानी गलती, लेकिन चुनावी रैलियों में फिर बोला चौकीदार पर हमला। मैंने पहले बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने डायरेक्ट चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला। आप मोदी जी से सवाल पूछिए कि उन्होंने जो अनिल अंबानी की चौकीदारी की है वो क्यों की, उसका उनको क्या फायदा मिला? चुनावी शोर के बीच राहुल ने फिर लगवाए चौकीदार चोर के नारे। ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार 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 बड़ा। बीजेपी बोली राहुल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना पर हो कार्रवाई। हलफनामा आया है राहुल गांधी जी का, उसमें उन्होंने माना है कि उन्होंने गलत किया और उन्होंने झूठ बोला है। कोर्ट की अवमानना हुई है, राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट को कार्रवाई करनी है जो कि केस कल के लिए पेंडिंग है। अमेठी में राहुल की विरोधी स्मृति ने भी साधा निशाना। झूठ के कपाल पर हुआ सत्य का प्रहार, चौकीदार को चोर कहने वाले ने स्वीकार किया कि वो खुद झूठे हैं। देशवासियों को बेवकूफ समझने वाले प्रधानमंत्री और न्यायालय का अपमान करने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। चौकीदार चोर पर पकड़ी गई राहुल की चोरी। तो आज राहुल गांधी की तरफ से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया। अब कल इस मामले में सुनवाई होनी है और उससे पहले यह समझ लीजिए कि इस मुद्दे पर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक संविधान के सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 215 के मुताबिक हाई कोर्ट को कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी को सजा देने का अधिकार है। यह संविधान का दायरा